आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जिस तरीके से न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के बीच मुकाबला हुआ, इस मुकाबले में जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड को 99 रनों से मात दी, जी हाँ, जिस तरीके से आज न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने शानदार प्रदर्शन की, अगर बात की जाए डेविन कार्न में जो पहले मुकाबले में 151 रनों की पारी खेली तो इस मैच में वो सस्ते में चलते बने मात्र 32 रनों पर अपना विकेट गंवा दिए। वहीं बिलियंग जो पहले मैच में अपने शून्य पर आउट हुए थे, आज इस मैच में उन्होंने 70 रनों की बेतहाशा पारी खेली। और बात की जाए रचित रमेंद्र के, जो भारतीय मूल के हैं वो पंजाब से आते हैं और न्यूजीलैंड से जाकर खेल रहे हैं, उन्होंने पहले मैच में अपने 122 रनों की पारी खेली थी, इस मैच में उन्होंने 51 रनों की पारी खेली। अगर बात की जाए कप्तान टॉम लाथम तो उन्होंने भी 53 रनों का योगदान दिया, लेकिन जो सबसे अच्छा इसमें निकल कर आया जिस तरीके से न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिचेल सेंटर ने मात्र आप ये कह सकते हैं कि 17 बॉलों में 36 रन बनाए और उस पारी में उनके 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। आप सोच सकते हैं जिस तरीके से न्यूजीलैंड के 2 प्लेयर जो मेन प्लेयर हैं, चाहे हम बात करें टीम सऊदी की, चाहे बात करें प्रॉपर जो उनके कप्तान हैं केन विलियमसन, के दोनों इस टीम में नहीं थे, उसके बाद भी न्यूजीलैंड ने शानदार जीत अर्जित की। अगर वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से आर्यन दत्त पहला मुकाबला नहीं खेले और इस मुकाबले में उन्होंने 2 विकेट झटकाए, और वहीं पे वेन मार्केन ने 2 विकेट झटकाए, वेंडर मरे ने भी 2 विकेट झटकाए, लेकिन जो इसमें सबसे अच्छा निकल कर आया जिस तरीके से क्रिकेट फैंस को, सबको, नीदरलैंड की टीम को, नीदरलैंड के क्रिकेट प्रशंसकों को ये उम्मीद थी कि भारतीय मूल के जो विक्रमजीत सिंह हैं वो अच्छी पारी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से 12 रन बनाकर वो आउट हुए, ये वाकई में काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि नीदरलैंड की टीम के लिए काफ़ी शर्मनाक था। लेकिन जो सबसे अच्छा निकल कर आया कॉलिन अकरमैन ने जो 69 रनों की पारी के लिए, एक समय ऐसा लगा कि नीदरलैंड की टीम न्यूजीलैंड की टीम पर काफ़ी भारी दिखाई दे रही है, लेकिन वो जीत, वो लक्ष्य जो 322 रनों का खड़ा किया था न्यूजीलैंड की टीम ने, वो काफ़ी उसमें उसको चेज करते हुए असहज महसूस हुए और पूरी टीम अगर की बात की जाए तो ऑल आउट हो गई। लेकिन जिस तरीके से मिचेल सेंटर ने 2 विकेट झटकाए, अगर वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से विक्रमजीत ने भी एक ओवर डाला उसमें उन्होंने 9 रन खर्च किए, लेकिन अकरमैन जो नीदरलैंड के जो ऑलराउंडर हैं उन्होंने भी 2 विकेट झटकाए और बढ़िया परफॉर्मेंस किया 69 रनों की पारी के लिए 73 बॉलों पर। और अगर बात की जाए जिस तरीके से उनके जो कप्तान हैं एडवर्ड, उन्होंने भी 27 बालों पर 30 रनों का योगदान दिया, यानी कि अपने टीम को पूरी तरीके से जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन जीत तक यानी कि जीत के रास्ते तक, जीत की दलील तक नहीं ले जा सके। जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड कप में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी, यानी कि इंग्लैंड पर न्यूजीलैंड की शानदार जीत। अब जिस तरीके से 11 तारीख को भारत और अफगानिस्तान का मैच होने वाला, उस मैच में सुमन गिल नहीं खेलेंगे, यानी कि सुमन गिल डेंगू से ग्रसित हैं, BCCI ने आज इसकी पुष्टि भी की, यानी कि उस मैच में भी आपको ईशान किशन ओपनिंग करते दिखेंगे। और उस मैच में जिस तरीके से अफगानिस्तान के पास स्पिन की तिकड़ी है, यानी कि आप बात कर सकते हैं मोहम्मद नबी की, आप बात कर सकते हैं मुशफिर रहमान की, आप बात कर सकते हैं जिस तरीके से राशिद खान जो विश्व के नंबर 1 ऑलराउंडर भी हैं, यानी कि 11 तारीख को जो मुकाबला होगा वो वाकई में शानदार होगा। आप वर्ल्ड कप की पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।